एज ए टीम मेट और किस तरह वो घुल मिल गए हैं बाकी टीम के साथ, खासकर शान मसूद के साथ उनकी बॉन्डिंग कैसे? ये बहुत शानदार, मैं समझता हूँ कि पहली बात ये कि देखिए जो आपकी आपका जब आपको कप्तान बनाया जाता है तो एक एडिट आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होती है और इसको जब ले लिया जाता है या किसी वजह से वो खत्म हो जाती है तो फिर भी आपकी कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू रहती है। तो एज ए एम्बेसडर ऑफ दिस कंट्री आपको जो भी रोल मिल रहा है आपने उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है। तो मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल ये सोच नहीं होनी चाहिए कि कोई कप्तानी से हट गया और कोई नया कप्तान बन गया, लेकिन दोनों का जो रिलेशन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़े उनकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो बाबर आजम के करीब में कहता चलो कि उन्होंने जितनी सर्विसेज दी पाकिस्तान की थी मैं उसका बहुत बड़ा मैं एक्नॉलेज करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ और अभी तक जो मैंने देखा है किसी भी जगह पे बाबर ने अपनी तमाम जो फीडबैक है वो देने में कमी नहीं की। इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ द टीम, बहुत ज़्यादा जो है मिल के वो टीम को लेके चल रहे हैं और राइट स्ट्रेटेजी बनाने में भी इंशाल्लाह ताला बाबर का बहुत अहम रोल है क्योंकि बाबर की एज ए बैट्समैन जो कंट्रीब्यूशन है हम सब उसके मददगार हैं और मैं ये समझता हूँ कि मजीद उनको जो है जो प्रेशर रिलीज होगा उनको क्योंकि कप्तानी के ऊपर एक एडिट प्रेशर आपके ऊपर आता जरूर है, वो कहे कि नहीं आता ये गलत है, लेकिन जब वो आपसे ईज डाउन होता है तो मुझे लगता है कि बाबर का जो खेल है बहुत ज़्यादा निकलेगा और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो कि बहुत शानदार तरीके से वो पिछले कई सालों से कर रहे हैं उसको मजीद बढ़ाएंगे, इन्हेंस करेंगे अपनी परफॉर्मेंस ताकि पाकिस्तान टीम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करे और उसमें उनका नुमाया करेगा।